हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर को क्यूब्स में काट लिया है। इसमें हम लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे ताकि पनीर हमारे टूटे नहीं। यहाँ एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया, उसमें हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। पनीर को हमें दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखिए पनीर हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, उसमें अच्छा कलर भी आ गया है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। उसी पैन में मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच तेल लिया है, उसी में हम कुछ साबुत मसाले डाल देंगे। जैसे इस पर मैंने इलायची ली है, दालचीनी, जीरा और छोटी इलायची ली है। अब हम इसमें प्याज डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। इस पर मैंने दो लाल मिर्च भी डाल दी है। प्याज को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिलीज भी डाली है। अब मैंने यहाँ दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप दही सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से फेंटें, इससे दही हमारी सब्जी बनाते समय फटती नहीं है। तो इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप अदरक लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ अदरक का पेस्ट डालें। और इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन कलर हो गई है। तब हम इसमें हमने जो मिक्सचर तैयार किया था दही का, उसको डाल देंगे और इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम पे लो रखा है और इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए दही भी हमारी कुक हो गई है। इस पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। मसाले हमारे अच्छे से कुक हो गए और इसमें से ऑयल रिलीज हो गया है, तो इसका मतलब कि मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। स्वादानुसार नमक, और इसमें हमने जो पनीर फ्राई किए थे उसको भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है और फटाफट से बन जाती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है। तो इसे ढक के हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसका कलर है। इसमें लास्ट में मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो केचप की जगह थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसको डालने से। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो केचप डालने से ये सब्ज़ी मीठी नहीं होगी, ये क्या कहते हैं, हमने जो दही डाले है उसको बैलेंस करेगा, उसकी खटास को। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमने बनाई है और देखने में बिल्कुल ढाबे जैसी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।